प्रदेश सरकार भले ही कानून व्यवस्था के कड़े होने के लाख दावे कर ले, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला कानपुर के सीसामऊ थाने का है, जहां आबकारी विभाग में तैनात महिला सिपाही के साथ अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया है। अभद्रता करने वाला शख्स आबकारी का अनुज्ञापी है, जिस पर महिला सिपाही के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। महिला सिपाही ने बताया कि कमल जायसवाल नाम का अनुज्ञापी 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे आकर जिला आबकारी कार्यालय कानपुर में अभद्रता करने लगा, जिसकी शिकायत महिला सिपाही ने जिला आबकारी अधिकारी से की। अभद्रता करने वाले शख्स पर सीसामऊ थाने में 18 नवंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी थाना पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें महिला सिपाही का कहना है कि जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो अन्य महिलाओं का क्या होगा। इस मामले में जानकारी कुछ अधिकारियों को भी हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। महिला सिपाही न्याय के लिए उच्च अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रही है। जब इसने मैं उसको हाथ पकड़ने का प्रयास किया, मैंने इसका हाथ झटकोरा, अपने प्राण बचा के भागी, तो कई लोग नाराज भी हुए। आज कोई ना बोले दबाव में आकर के, वो अलग बात है, लेकिन कई लोग विरोध भी किया। सबके बचाव से मैं बची। तत्काल मैंने अपने अधिकारी को बताया, इंस्पेक्टर साहब को, मेरे सीनियर दीवान है दिनेश पांडे, मैंने उनको बताया। यहीं पर खड़े थे मौके, सब लोग नाराज हुए लाल पीले होकर के। फिर कहा ठीक है लिख के दो। मौखिक बताने पे बोले कि लिखित में दो। हमने सर लिखित में दे दिया है। अब लिख करके प्रार्थना पत्र दिया, 5 तारीख को ही घटना है 3 बजे की। मैंने 4 बजे 4:30 बजे इनको प्रार्थना पत्र दिया। डीओ साहब बोले मैं रिपोर्ट देख करके जांच करूंगा। उन्होंने कहा ठीक सर, आप जांच कर लीजिए। उन्होंने अब क्या पता लगाया, क्या जानकारी की, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे कार्यालय में सारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी एफआईआर आपने कहां कराई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि पवन दरोगा जी है वहां, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूं। उनको ठीक बोले कि मैं 2 बार दबिश दे आया हूं, मिला नहीं है, बाहर ताला लगा है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। बोले जब तुम्हें कहीं दिखे तब हमको बता देना। ये मेरे कार्यालय आता है 4-6 लड़कों को लेके, अकेले नहीं आता। उस दिन भी इसने हरकत की तो 4 लोगों के साथ में की। एक गाड़ी आता है 4-6 आदमी लेकर के, दाएं बाएं रहे आएंगे, अपना हमसे बात करेगा। हमने 3-4 तो यहाँ पे जो आपके साहब है वो कुछ नहीं कहते हैं, उनको कुछ नहीं कहते, उनका अपना जो भी सिस्टम बना हो। ये आबकारी विभाग में कार्यरत एक महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई है सीसामऊ थाने में। उनकी शिकायत पे एक मुकदमा 119/2019 दर्ज हुआ है। धारा 332, 353, 354 और धारा 504-506 IPC के अंतर्गत, और पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 5 लगभग 2-2.5 महीने पहले की घटना है जी। मैं उसमें ऑफिस नहीं था, तो कुछ काम कर रहे थे, तो कोई अनुज्ञापी आया हुआ था, तो उसको लेकर के कुछ इन्होंने बताया कि भद्रता की कुछ नहीं, उसी संबंध इन्होंने थाने में फैसला कराया इस संबंध। तो इसके अलावा आपने ऑफिस स्तर पर तो जांच की होगी, कोई कौन आया था, कौन था? नहीं, कमल जायसवाल नाम है उनका जी। ये लोग आपस में माल खाने में माल रखा जा रहा था जी, वही लेकिन की आपस में कुछ हुई थी जी। उस संबंध में मैंने लोगों से बयान लिया, लोग कह रहे थे कि हाँ ऐसा इसी घटना।